बच्चों आज हम व्याकरण में पाठ वन लेसन वन वाक्य एक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी वाक्य भेद पढ़े थे, लेकिन नाइन्थ कक्षा में आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद बताए गए थे। विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, याद आया आप लोगों को? तो उसी प्रकार टेंथ में कक्षा दस में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य भेद, लेकिन रचना के आधार, रचना अर्थात निर्माण, किसी चीज़ का निर्माण होना, निर्माण होने की प्रक्रिया रचना कहलाती है। तो यानी जो हमारे वाक्य बनते हैं वो किन तीन चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं, अर्थात उनका वाक्यों का भेद और मामला होता है। क्लियर? तो सबसे पहले वाक्य क्या होते हैं, सबसे पहले वाक्य क्या होते हैं हम ये जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे कै, मैं, लै, है, गै, ये सब क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, क्योंकि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल से, यानी वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कै प्लस वै प्लस लै, तो ये वर्णों का सार्थक मेल है, तो इससे बना कमल। क्या बना? कमल। तो इस शब्द से हमें ज्ञात हो रहा है कि या तो फूल की बात हो रही है या किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यानी ये हमें सही अर्थ प्रदान कर रहा है। तो वर्णों का वह सार्थक समूह जो हमें सही अर्थ प्रदान करता है वर्ण कहलाता है। अब वाक्य क्या होते हैं? अब वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है, अर्थात जब शब्द हमें एक समूह में बंध करके सही अर्थ प्रदान करते हैं तब वह वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम, खाना, खा रहा है, ये हमारा वाक्य हो गया, क्योंकि जो शब्द है वो शब्द हमें सही अर्थ प्रदान कर रहे हैं, यानी हम इस वाक्य से समझ रहे हैं कि क्या कार्य हो रहा है। तो हम वाक्य से क्या समझे? कि राम खाना खा रहा है, तो ये हो गए हमारे वाक्य। तो अब प्रश्न उठता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होते हैं? अब प्रश्न उठता है कि सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो, एक क्रिया हो और एक कर्ता हो, वो हमारे सरल वाक्य कहलाए जाते हैं। जैसे अभी हमने लिखा, क्या सेंटेंस लिखा था कि राम खाना खा रहा है। इस वाक्य में हमारे पास एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है, तो ये हमारा क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? तो सरल वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ ये आपको कि सरल वाक्य क्या होते हैं? अब सेकंड है हमारे पास संयुक्त वाक्य।
कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से भी बोध हो रहा होगा, संयुक्त यानी दो चीजें जुड़ी हुई, जुड़ा हुआ, संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, मिला हुआ। तो वह संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है कि जब दो उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, जब दो उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं तब वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे रवि विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें दो सरल वाक्य या दो उपवाक्य समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग कंजक्शन पढ़ते हैं एंड और, इसी प्रकार हिंदी में भी समुच्चय बोधक क्या होते हैं? और, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, ये सब क्या होते हैं? हमारे समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य वह वाक्य होते हैं जो जिसमें दो उपवाक्य, जिसमें दो उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला है हमारा खंड मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य समझ लेते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य की जो परिभाषा है वो है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यह हमारा एक वाक्य है, यह हमारा एक वाक्य है और यह हमारा मिश्र वाक्य है। कैसे है मिश्र वाक्य? इसमें एक प्रधान वाक्य है, एक हमारा प्रधान वाक्य है महात्मा गांधी ने कहा, यह हमारा प्रधान वाक्य है, और नीचे वाला सदा सत्य बोलो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि सदा सत्य बोलो यह बात किस पर निर्भर कर रही है, किस पर आधारित हो रही है? महात्मा गांधी के कहने पर आधारित हो रही है। क्योंकि ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही है। अगर हम यहाँ से ये सेंटेंस हटा देंगे तो ये किस पर निर्भर होगा? किसी पर निर्भर नहीं होगा ना, किसी पर आश्रित नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है मिश्र वाक्य में कि प्रधान उपवाक्य होता है और उसके ऊपर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, इसीलिए ये मिश्र वाक्य कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो आज हमने अभी क्या सीखा? अभी हमने सीखा रचना के आधार पर वाक्य में। क्या सीखा? रचना के आधार पर वाक्य में। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वह वाक्य कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, यानी वाक्य को बदलने के लिए आता है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए, या संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलिए, या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए। इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब हम कल सीखेंगे अपनी अगली वीडियो में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना।